बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है, यानी इस सप्ताह में जैसे ही सप्ताह शुरू होगा आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी व्यस्तता तो रहेगी लेकिन व्यस्तता से आपको फायदा होगा, आपके काम पूरे होंगे और आपको बेहतर धन का लाभ जरूर होगा। इस सप्ताह आपको ध्यान रखना है आपके अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का। हालांकि देखिए पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के मामले में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। अगर किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है या किसी करियर में आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर सफलता मिलने की संभावना जरूर है। तो ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है, लेकिन इस सप्ताह में सावधानी क्या रखनी है, धन का लेन देन अगर आप करेंगे और लिखा पढ़ी करेंगे, किसी कागज पे साइन करेंगे, बाकी काम करेंगे, तो लिखा पढ़ी के मामले में भी सावधानी आपको जरूर रखनी है। देखिए इस सप्ताह में मंगलवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है आप मंगलवार के दिन करने का प्रयास करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके करियर की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। ये सप्ताह शुरू होगा आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा और इस समय ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे अपने महत्वपूर्ण काम निपटा पाएंगे। इस समय आप अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे, आपके परिवार में शांति रहेगी और आप देखेंगे कि आपका मानसिक तनाव भी इस सप्ताह में कम होगा, यानी आपके काम भी होंगे, मन भी ठीक होगा और जीवन भी बेहतर होगा। धन का जो आगमन है, पैसे रुपए का जो आना है, वो आपके लिए ठीक बना रहेगा। हालांकि आप देखेंगे कि पैसे आते जाएंगे और आपके कर्जे कम होंगे, कर्जे धीरे धीरे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और हर तरफ से आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ध्यान कहां रखना है, इस सप्ताह में वाहन चलाने में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस सप्ताह वाहन चलाने में आप गड़बड़ी मत करिएगा वरना बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो जीवन आपका बेहतर होगा, आपके काम पूरे हो जाएंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपको आपके स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि देखिए आपके करियर की स्थिति आगे बेहतर रहेगी, यानी सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा लेकिन करियर की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। साथ ही साथ धन की स्थिति भी आपके लिए ठीक बनी रहेगी और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान के साथ आपका तालमेल और आपका व्यवहार इस समय बहुत अच्छा नहीं है, तो अपने संतान के साथ तालमेल का और संतान के साथ व्यवहार का बहुत ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। शुरुआत को छोड़ करके मोटे तौर पे ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या ध्यान रखना है, इस सप्ताह घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन निपटाते हैं उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी।
कर्क राशि। देखिए सप्ताह की शुरुआत में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी छोटी यात्रा पर निकल सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर अच्छा दिख रहा है, कुल मिला जुला कर ठीक दिख रहा है। धन और करियर की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा, ये संभावना भी इस सप्ताह में बनी हुई है। और अगर करियर संबंधी कोई काम करना चाहते हैं या संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाहते हैं तो उसे इस सप्ताह में निपटा लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में जरूर बन जाएंगे। क्या ध्यान रखना है, इस सप्ताह अवसाद का यानी डिप्रेशन का और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। इस सप्ताह डिप्रेशन से बचिएगा, बेवजह की व्यर्थ की चिंताएं मत पालिएगा, और सेहत में अगर कोई दिक्कत हो ही जाती है तो उसको लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे, उस पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लेंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम होगा, अपने महत्वपूर्ण काम आप इस सप्ताह में शनिवार के दिन निपटा सकते हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम की अधिकता दिखाई दे रही है, यानी आपका काम इस सप्ताह की शुरुआत में बढ़ा रहेगा। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन भी इस समय में हो सकता है, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहते हुए इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी धर्म स्थान की, किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा पर जाएं। धन और करियर की जो स्थिति है वो तमाम मुश्किलों के बावजूद सिंह राशि वालों की इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेगी। कहां ध्यान रखना है, स्वास्थ्य की समस्याएं अभी पूरी तरह से आपकी ठीक नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य की समस्याओं में इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा, अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो वो काम आपके आसानी से हो जाएंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, यानी सप्ताह शुरू होगा पैसे का आगमन आपके लिए जरूर होगा। आपके करियर में लाभ होने की संभावना बन रही है इस समय, और पैसे आपके बढ़ेंगे, धन की वृद्धि जरूर होगी। इस समय स्थान परिवर्तन के संकेत हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि काम आपका बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता इस समय आपके लिए रह सकती है। संतान और उसके करियर को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं इस सप्ताह में आपके मन में दिख रही हैं। हालांकि देखिए व्यक्तिगत जो भी चीजें हैं, जो आपकी अपनी पर्सनल चीजें हैं, वो काफी बेहतर हैं, लेकिन संतान के करियर को लेकर के और उसके जीवन को लेकर के कुछ चिंताएं इस सप्ताह में रह सकती हैं। इस सप्ताह में चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना होगा। इस सप्ताह की सलाह यही है कि चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको बचना चाहिए। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम होगा, अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके शुभ प्रभाव, शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत काफी बिगड़ सकती है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। हालांकि धन की जो स्थिति है ये आपकी ठीक रहेगी, धन आपको निरंतर मिलता रहेगा। संपत्ति और वाहन से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए इन समस्याओं को जल्दी निपटाने का प्रयास करिए। आपके संतान के करियर में और जीवन में समस्या की स्थिति आ सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान पक्ष को लेकर के मुश्किलें बहुत ज्यादा इस समय हो सकती हैं।
इस सप्ताह क्या ध्यान रखना है, वाद विवाद से बचिए। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी है, तो मुकदमेबाजी का भी ध्यान रखिए। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो काम आपके लिए आसानी से बन जाएंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। और इस समय आप देखेंगे कि इस सप्ताह में आपके तमाम महत्वपूर्ण काम आसानी से बनने लगेंगे और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और धन लाभ की बेहतर स्थितियां भी इस समय आपके लिए बनेंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की स्थितियां इस सप्ताह में, इस समय में जरूर बन सकती हैं। क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं उनको इस सप्ताह में निपटा डालिएगा, क्योंकि ये सप्ताह बहुत अच्छा है। तो अपने महत्वपूर्ण काम, अपने महत्वपूर्ण निर्णय अगर इस सप्ताह में आप करते हैं और उसे निपटाते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, काम आपके बन जाएंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। शनिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। जो मन में आपकी चिंता है, मन में आपका तनाव है, सप्ताह शुरू होगा ये चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। व्यस्तता आपकी बहुत रहेगी, हालांकि धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय कर सकते हैं या उसके बारे में विचार कर सकते हैं। और इस समय चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कैरियर दोनों की संभावना बनती है। संपत्ति या वाहन का लाभ इस समय हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल इस समय आप खरीद सकते हैं। इस सप्ताह लिखा पढ़ी के मामले में और वाहन चलाने के मामले में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि आप देखिए कि ये जो सप्ताह है ये बहुत सारे बड़े परिवर्तन आपके लिए दिखा रहा है और ये परिवर्तन ज्यादातर आपके लिए शुभ होंगे, लेकिन जो लिखने पढ़ने का काम है या गाड़ी चलाने का काम है उसमें आप लापरवाही मत करिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन निपटाते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी समस्याएं लगातार कम होती जाएंगी। जो भी आपकी चिंताएं थी, जो भी आपकी दिक्कतें थी, सप्ताह शुरू होगा समस्या कम हो जाएगी। विवाह संबंधी और पारिवारिक मामलों में आपके सुधार के योग इस समय जरूर बन रहे हैं और करियर में कुछ नए मौके भी इस समय आपके पास आ सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। धन और परिवार की स्थिति आपके लिए कुल मिला जुला कर अच्छी बनी रहेगी, यानी वहां पर दिक्कत नहीं है। ध्यान कहां रखना है? इस सप्ताह भी अपने स्वास्थ्य पर और अपनी वाणी पर, अपने जबान पर ध्यान आपको बनाए रखना है, क्योंकि अगर कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे तो रिश्तों में दिक्कत पैदा होगी। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चिंता दिख रही है, थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है आपके मन में, ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, करियर और धन के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, करियर और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा और करियर के मामले में काफी व्यस्त इस सप्ताह में आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई वाहन खरीदें, इस तरह के लाभ की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। इस सप्ताह खान पान का आपको ध्यान रखना है,
उल्टा सीधा मत खाइएगा, बीपी बढ़ जाए, पेट खराब हो जाए। खान पान का ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बुधवार का दिन आपके लिए सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें फायदा होने की संभावना ज्यादा बनती है। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। सप्ताह शुरू होगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दौड़ भाग तो थोड़ी रहेगी इस सप्ताह में, लेकिन आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी सप्ताह में बनेंगे और महत्वपूर्ण काम आप निपटा पाएंगे। करियर और शिक्षा की जो भी रुकावटें आपके जीवन में हैं, करियर और शिक्षा की तमाम रुकावटें इस समय दूर हो जाएंगी। विवाह और रिश्तों के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में या आपके अपने रिश्तों में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी समस्या हो सकती है। देखिए, इस सप्ताह पारिवारिक विवादों का ध्यान रखें। परिवार में माता पिता के साथ, जीवन साथी के साथ, संतान के साथ विवाद ना हो, शांति रखें। और इस सप्ताह में चोट चपेट से भी बचाव करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बन पाएंगी।